पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग पिगमेंटेशन को लेके परेशान रहते हैं. काले धब्बे हैं चेहरे पर, झाइयाँ हैं चेहरे पर, फ्रेकल्स हैं, और इन सब के लिए वो किसी ना किसी पिगमेंटेशन की दवाई का इस्तेमाल या तो कर चुके होते हैं या करने की सोच रहे होते हैं. तो आप भी ये वीडियो देख रहे हैं बाइल्यूमा क्रीम के बारे में जानने के लिए, जिसका नाम आपने शायद कहीं से सुना हो सकता है आपके दोस्त इसको इस्तेमाल कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको किसी डॉक्टर ने इस दवा को प्रिस्क्राइब किया हो. तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाइल्यूमा क्रीम के बारे में, जिसके बारे में हम इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे ये काम करती है, कितने समय पे ये काम शुरू करती है, ये सब जानकारी लेंगे. मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और आई एम अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट. लगभग पिछले 18 साल से मैं डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें सत्या स्किन क्लिनिक के नाम से, और सारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी. तो जहाँ तक सवाल है पिगमेंटेशन का, उसके लिए बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं इलाज के लिए. बहुत सारे लोग अपने आप से दवाइयाँ लगा रहे होते हैं. कई बार कमेंट सेक्शन में भी हमसे लोग पूछते हैं, या जो मरीज दिखाने आते हैं वो पूछते हैं कि मेरे किसी रिलेटिव को, बच्चे को या किसी को पिगमेंटेशन है तो क्या ये दवा मैं उनको भी लगा सकता हूँ. ये नहीं होता ऐसे. हर तरीके का पिगमेंटेशन एक जैसा नहीं होता. हो सकता है कि पिगमेंटेशन आपको जो है वो मिलाज़मा हो सकता है किसी और को फ्रेकल हो सकता है किसी और को पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन हो सकता है किसी और को ये पिगमेंटेशन किसी एक्जिमा के वजह से हो. तो हर चीज़ के जो कारण या इंडिकेशंस होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं. एक दवा कभी भी हर मरीज पे काम नहीं करेगी. सेल्फ मेडिकेशन इस तरीके से नहीं करना चाहिए. किसी भी क्रीम के बारे में जान के या सुन के आप उसका इस्तेमाल कतई ना करें. कि हम आपको यदि कोई दवा ऐसे बताते हैं और फिर वो दवा आपको नुकसान भी कर सकती है, तो बिना अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे आप कोई भी दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते. पिगमेंटेशन को लेके खासतौर से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, सेल्फ डिसलाइक रहता है, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए. और अक्सर जो दवा पिगमेंटेशन के लिए आपको केमिस्ट सजेस्ट करें या कोई आप सुनने में आती है और लोग कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि मेलास क्रीम, नो मार्क्स और इस तरह के बहुत सारे क्रीम्स आते हैं. इन मोस्ट ऑफ दीज क्रीम्स दो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, या तो स्टेरॉइड्स या फिर हाइड्रोक्विनोन, जो कि काफ़ी डेंजरस होते हैं. आप इसको अपने आप से यूज़ नहीं कर सकते. काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने में आते हैं इनके. आज हम बात कर रहे हैं बाइल्यूमा क्रीम के बारे में. तो बाइल्यूमा क्रीम एक रिलेटिवली काफ़ी सेफ हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड फ्री क्रीम है, जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स में जिनमें कि पिगमेंटेशन का समस्या रहता है. इनके की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कोजिक एसिड एक इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव टायरोसिनेज इनहिबिटर है. जो मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कालापन नज़र आता है, ये दो तरीके का होता है, यू मेलानिन और फियोमेलानिन. यू मेलानिन डार्क कलर का पिगमेंट है और फियोमेलानिन जो है वो लाइट कलर का पिगमेंट है. तो टायरोसिनेज एंजाइम जो है इसको यदि इनहिबिट किया जाए तो मेलानिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है और पिगमेंटेशन कम दिखने लगता है. कोजिक एसिड एग्जैक्टली यही करता है. बाइल्यूमा के अलावा बहुत सारे और भी क्रीम्स आते हैं जिनके अंदर की कोजिक एसिड आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ में. आरब्यूटिन एक और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि इस क्रीम के अंदर होता है. ये भी टायरोसिनेज को इनहिबिट करता है. बहुत सारे डीपिगमेंटिंग क्रीम्स के अंदर आपको आरब्यूटिन डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस में मिलेगा, और ये भी काफ़ी सेफ है इसका इस्तेमाल करना. लॉन्ग टर्म यूज़ में भी आरब्यूटिन को सेफ पाया गया है. आरब्यूटिन जो है ये हाइड्रोक्विनोन का डेरिवेटिव है, और बट ये हाइड्रोक्विनोन की तरह अनसेफ नहीं है.
हाइड्रोक्विनोन एक बहुत कॉमन प्रिपरेशन है जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, और ये काफ़ी कॉमनली लगभग हर डीपिगमेंटिंग क्रीम में हाइड्रोक्विनोन होता है। ओवर द काउंटर जो बहुत पॉपुलर गोरा बनाने की क्रीम्स मिलती हैं उनके अंदर भी हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है। लॉन्ग टर्म यूजेज से जो हाइड्रोक्विनोन का यदि आप करते हैं तो आपको एक कंडीशन होती है ऑग्रोनोसिस, जिसके अंदर की चेहरा और काला पड़ जाता है, स्किन और डैमेज हो जाता है, ये आगे चलकर देखा जाता है। बट आरब्यूटिन के साथ ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। हालांकि जिन लोगों को हाइड्रोक्विनोन से सेंसिटिविटी है, बर्निंग है, इरिटेशन है, उनसे आरब्यूटिन में यूजली नहीं होती है प्रॉब्लम, बट फिर भी वो थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करेंगे यदि इस दवा को तो काफ़ी बेहतर अच्छा रहेगा। इसको बेरी बेरी प्लांट से निकाला जाता है और ये अच्छा ऑप्शन रहता है, काफ़ी क्रीम्स में इसको इसीलिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिकोरिस एक्सट्रैक्ट काफ़ी कॉमनली पाया जाता है बहुत सारे क्रीम्स में। मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस लिकोरिस वाले कंपोजिशन के साथ रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी इफेक्टिव रहता है ये टायरोसिनेज को इनिबिट करने में, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में ये काफ़ी यूजफुल है। अच्छे क्रीम्स जो होते हैं उनके अंदर आपको लिकोरिस इन्ग्रीडियंट ज़रूर मिलेगा। मलबेरी एक्सट्रैक्ट भी काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए, जो क्रीम्स होते हैं उनके अंदर ये रूट से निकाला जाता है इस प्लांट के, और काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, टायरोसिनेज एक्टिविटी को भी इनिबिट करता है और काफ़ी सेफ इंग्रेडिएंट है इस्तेमाल करने के लिए। और कॉमन इंग्रेडिएंट टोकोफिरोल होता है, यानी कि विटामिन ई। विटामिन ई की बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रहती है और ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है, आपके स्किन को भी काफ़ी स्मूथ और अच्छा बनाता है। काफ़ी लोग विटामिन ई के प्रिपरेशंस को कैप्सूल्स जो मिलते हैं उनको डायरेक्टली कट कर कर भी लगा लेते हैं और उससे भी स्किन में यूजली थोड़ा सुधार देखने को मिलता है, हालांकि हम ऐसा करने को रिकमेंड नहीं करते। विटामिन ई आपके बॉडी में ग्लूटाथायन के लेवल्स को भी बढ़ाने में स्किन में मदद करता है, जिससे कि पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। ग्लूटाथायन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि ओरल फॉर्म में भी लिया जाता है, टैबलेट्स के फॉर्म में, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दिया जाता है, लिवर डिजीज़ के अंदर भी काफ़ी यूज़ किया जाता है इसको। इनफैक्ट वहीं से इसका यूज़ फिर स्किन में भी होने लगा। ग्लूटाथायन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि क्या फ़ायदे रहते हैं, क्या इसके नुकसान रहते हैं। हाइड्रोकर्क्यूमिन एक और इंग्रेडिएंट है जो बायलूमा क्रीम में पाया जाता है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट टेट्रा हाइड्रोकर्क्यूमिन होता है और इसका एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। अगर आपकी स्किन में कुछ रेडनेस है या हल्की बर्निंग है तो ये उसको भी कुछ हद तक शांत करने में मदद करता है। पर अगर आपको बर्निंग या इरिटेशन स्किन में रहता है तो ये क्रीम्स को ना यूज़ करें, और खुद से, हालांकि बहुत सेफ क्रीम है, पर खुद से आप इसका इस्तेमाल ना करें, अपने पास के डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, सलाह लें, तभी आप इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले, किसी भी क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले, यदि आप एक टेस्ट पैच अप्लाई करें, छोटा सा आप कान के पीछे यहाँ पर स्किन पे या नेक के पास यहाँ लगा सकते हैं और देखें उसको, एक दो दिन ऑब्जर्व करें, अगर कोई प्रॉब्लम या इचिंग नहीं होता है तब आप उसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं। किन इंडिकेशंस में यूज़ किया जाता है बायलूमा क्रीम को? पायलूमा क्रीम को मलाजमा में यानी झाइयों में यूज़ करते हैं, जो सुपरफिशियल पिगमेंट है, एपिडर्मल पिगमेंट है झाइयों पे, उन्हीं में ये काम करेगा। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम मलाजमा झाइयाँ एक बहुत रेजिस्टेंट कंडीशन होती है, इसमें क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या और मेडिसिन बायलूमा के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं और क्या और ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, पील्स का क्या रोल रहता है झाइयों के इलाज में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे रेगुलर। मलाजमा के अलावा आप पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि कोई चोट लगे या कोई लीजन्स, कोई स्किन रैश बने उसके बाद जो स्किन काला पड़ जाता है, उसमें भी बायलूमा क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रेकल्स में, जो कि छोटे छोटे लाइट ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। इनको यूज़ कर सकते हैं हम एक्ने के स्पॉट्स पर, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती है, मैं अपने काफ़ी पेशेंट्स में से यूज़ करता हूँ। जनरलाइज टैनिंग में भी हम लोग बायलूमा क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। बायलूमा क्रीम को यूजली आप रात को लगाएं बेहतर रहता है, दिन में हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना
अच्छा रहता है। जब भी आप कोई भी डीपिगमेंटिंग क्रीम यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत आपका स्किन फोटो सेंसिटाइज हो जाता है, और उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप डे में अच्छे से सनस्क्रीन्स लगाएं। कैसे सनस्क्रीन यूज़ करना है, कुछ वीडियोस हैं जिन पे हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, आप उनके लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी जानकारी मिलेगी उससे आपको। सनस्क्रीन का इस्तेमाल अक्सर लोग डीपिगमेंटिंग क्रीम्स को लगाते वक्त दिन में नहीं करते हैं, जो कि एक बड़ा रीज़न होता है इनके साथ प्रॉब्लम्स होने का। यदि आपकी स्किन पे कोई बर्निंग, रेडनेस, ड्राइनेस बायलूमा क्रीम को लगाने पर होती है तो इस क्रीम को फौरन डिसकंटिन्यू करें। कुछ मॉइस्चराइजर स्किन पर लगाएं, कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर सकते हैं, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करते रहें और अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी बायलूमा क्रीम के बारे में। इसी तरीके की और मेडिसिंस के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहता है और हम कोशिश करेंगे कि आपके सब सवालों का जवाब हम आपको सही समय रहते पहुंचा सकें। आप हमसे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर से भी बात कर सकते हैं और दिए गए मेल आईडी पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्किन से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं satyaskinlaser.com, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।